गुड मॉर्निंग फ्रॉम भालकपुर। आज एक स्पेशल डे है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो आज हम जाने वाले हैं दिरांग। आज हमारा पहला टारगेट फुलफिल करने वाले हैं हम लोग और आगे का व्यू और भी ज़्यादा सुंदर होने वाला है, तो उसके लिए भी हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। आज हम थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं, अभी 6:30 बज रहा है। यहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है, कल रात को भी बहुत तेज़ हवा चली, मतलब ऐसा जोर का चला कि नींद भी टूट गया। तो हमने अभी पूछा तो बोला ये नॉर्मल है। और जनवरी फरवरी में यहाँ पे इतना ज़्यादा रहता है कि मतलब इससे कई गुना ज़्यादा रहता है। तो मतलब सोच के डर लग रहा है कि कितना तेज़ हवा चलता होगा उस समय, जब इस टाइम पे भी इतना तेज़ हवा चल रही है कि लगता है कि घर हिल रहे, तो उस टाइम पे क्या होता होगा। तो आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज हमको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटा लगेगा पहुँचने में और आगे लैंडस्केप और भी ज़्यादा सुंदर होने वाला है। तो चलिए, तो ये देखिए, ये पहला वाटरफॉल। वो देखिए चांद नज़र आ रहा है, अभी 7 बज रहे हैं, अभी भी चांद दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, और अभी रास्ता थोड़ा सा ख़राब है पर आगे चल कर शायद अच्छा होगा ऐसा सुना है। तो हम यहाँ पर चाय पीने रुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3-4 किलोमीटर ही आए हैं। तो यहाँ चाय पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और ठंड बहुत है, मतलब बहुत ठंड लग रही है, इसलिए चाय पीने उतर गए। ऐसे रोड्स तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, नो डाउट अबाउट दैट, बट कहीं कहीं थोड़े से बैड पैचेस हैं, सो उन पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग हो ही जाता है। बट एनीवेज बाकी वैसे रोड्स बहुत अच्छे हैं एंड हमें कहीं फील ही नहीं हुआ ऐसा कि बहुत ज़्यादा टायरिंग है जर्नी या फिर बहुत ज़्यादा कुछ हिक्टिक हो रहा है पहाड़ों में चढ़ने पर। ओवरऑल बहुत इंजॉइंग जर्नी है। इस रास्ते पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, हमें तो हर वाटरफॉल के पास रुकने का मन कर रहा है पर जितना रुकेंगे उतना लेट हो जाएगा, इसलिए हर जगह हम अभी नहीं रुक रहे हैं। बहुत ठंड है, ठंड बढ़ गया है यहाँ पर आके, भयंकर ठंड। ये टनल अभी बन रहा है तो अभी जो रास्ता है वो पहाड़ पूरा घूम के आ रहा है और ये टनल होने के बाद डायरेक्ट कुछ ही मिनटों में आप ये पहाड़ पार कर पाएंगे। अभी हम पहुंच गए हैं टेंगा और यहाँ एक नांग मंदिर है, यहीं पर जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक स्टोरी लिखा हुआ है कि ये नाग मंदिर कैसे फॉर्म हुआ, तो एक लेजेंड है इसका छोटा सा। तो लेजेंड ये बोलता है कि एक ये जो जगह है जहाँ पे नाग मंदिर है, ये एक हिल टॉप था और ये जो रोड्स वगैरह उस टाइम नहीं हुआ करते थे। उस टाइम काफ़ी बार लोग जब यहाँ से आते जाते वक्त एक मेल नाग और एक फीमेल नाग को बहुत बार देखे थे। और इसी वक्त इसी दौरान क्या होता है कि मतलब वो लोग क्या करते थे, इस हिल टॉप में पानी का कुछ तो था, जो मेल और फीमेल नाग पानी पीने के लिए हिल के नीचे से ऊपर जाते थे, पानी पीते थे, वापस आ जाते थे, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ के लोगों ने देखा भी था काफ़ी बार, तो लोग किसी को वो कुछ आम नहीं करते थे,
तो लोग भी जानते थे इस बारे में। तो क्या होता है कि ये रोड कंस्ट्रक्शन उस टाइम 60s का टाइम की बात है, तो उस टाइम ये रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होने के दौरान क्या होता है कि एक वर्कर, कोई एक वर्कर ने एक मेल नाग को मार देता है, जो मेल नाग था, जो फीमेल नाग के साथ पानी पीने जाता था, तो उसको मारने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग तरह की कैलामिटी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन आगे नहीं बढ़ पाता है, पत्थर गिरने लग जाते हैं, ठीक है, जहाँ तहाँ पत्थर गिरने लग जाते हैं, स्नेक बाइट्स कॉमन हो जाता है, बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, अब स्नेक बाइट्स कॉमन होने लगता है, तो और बहुत प्रॉब्लम आने लगती है, और लिटरली जो रोड कंस्ट्रक्शन था वो धीरे धीरे बंद होने के कगार पर आ जाता है। तो उसी दौरान ये डिसाइड किया जाता है, ये नाग मंदिर का स्थापना किया जाता है, और ये नाग मंदिर के स्थापना करने के बाद से फिर वापस चीज़ें नॉर्मल होने लग जाती और रोड कंस्ट्रक्शन भी होता है। तो यही है इसका लेजेंड। तो आगे का जर्नी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ हम पहले बोमडिला एंटर करने वाले हैं और फिर वहाँ से दिरांग।